हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस बोतल के साथ। नहीं, इस बोतल के अंदर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट हम सिंपल है, आज हम गैस बनाने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें ये बोतल चाहिए थी, तो हमने सोचा क्यों ना रात को पहले ये बोतल खाली कर ली जाए। तो हमारे टीम मेंबर ने और मैंने मिल के रात को खाली कर दी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सोचा अब इससे कोई एक्सपेरिमेंट करें। चलिए देखते हैं आज हम कैसे गैस बनाने वाले हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हमारे पास ये सारा सामान रेडी है। ये हमें चाहिए थी, इसके लिए एक बोतल चाहिए, और उसके लिए चाहिए हमें ये कास्टिक सोडा, और चाहिए अपना एल्यूमिनियम फॉइल। तो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक खाली कांच की बोतल और ये कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा के साथ साथ चाहिए एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मिला नहीं, तो हमने सोचा कि ना एल्यूमिनियम फॉइल से काम चला लिया जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को बनाने के बाद उसको इस बलून में, किसी भी एक बलून में इकट्ठा कर लेंगे, और फिर देखते हैं कि ये बलून सही में उड़ पाएगा या नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है काफी हल्की होती है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, अरे बस कर भाई। तो सबसे पहले नंबर पे आती है हाइड्रोजन, और फिर आती है हीलियम। वैसे नॉर्मली जो बलून्स में होती है वो हीलियम होती है, बट हम हाइड्रोजन गैस से बलून को भरने वाले हैं, और फिर इस बलून को देखते हैं क्या ये उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक्सपेरिमेंट। दोस्तों हम अपनी बोतल ले लेंगे और इस बोतल के अंदर थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो हमने इसके अंदर पानी डाल लिया है, और अब हम डालेंगे अपना कास्टिक सोडा। और ध्यान रहे दोस्तों, कास्टिक सोडा को कोई भी डायरेक्ट अपने नंगे हाथों से ना डाले, हाथ के ऊपर कोई ग्लव्स वगैरह जरूर पहन ले। हमने ये चीज़ बनाई हुई है कि इसको इसके अंदर डालेंगे और अपने आप इसके अंदर चला जाएगा। तो क्योंकि ये काफ़ी जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आपका हाथ भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा मत ट्राई करना कि आप डायरेक्ट अपने हाथों से डालने लगो। तो हमने अपना इसमें कास्टिक सोडा डाल लिया है, अब हम डालेंगे अपना फॉइल, और जल्दी से जल्दी इस फॉइल को डाल लेते हैं। और आप देख सकते हो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गई है अंदर, इतनी तेज से पानी उबलने लगा है। तो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर सिंपल अपना कोई भी बलून लगा देंगे। अब इसके अंदर जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं हमारे बलून के अंदर कितनी जल्दी गैस भरती है कितनी जल्दी नहीं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक करें, कर दी लाइक, कर दी दबा के लाइक कर दी। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा जो बलून है वो फूलने स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा जो बलून है वो खड़ा हो चुका है, मतलब फूलना स्टार्ट हो गया है। समझ रहे हो आप? तो नीचे से काफी ज्यादा हीट हो चुका है, और अभी आप देख रहे हो इसके अंदर रिएक्शन चल रही है। देखो ये पानी जो है बिल्कुल काला होने लगा है। हमने इसके अंदर पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, बट इतना पानी नहीं डालना था, पानी लगभग इतना होता तो ये और भी जल्दी जल्दी फूलता। अच्छा, तो पानी ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन लेट हो रही है। तो
दोस्तों अभी हमारा जो बलून है वो लगभग इतना फूल चुका है, अभी हम सोच रहे हैं और फूल जाए क्योंकि इसके अंदर अभी भी रिएक्शन हो रही है और ये सारा एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो ख़त्म हो जाएगा तब तक ही जाके ये फूल पाएगा, क्योंकि अभी रिएक्शन जो है आप देख रहे हो अंदर रिएक्शन कितनी तेज़ी से चल रही है। ये जो पानी है कितना काला हो चुका है ये देखो, तो कास्टिक सोडा इतना खतरनाक हो सकता है। आप देख सकते हो जो एल्यूमिनियम फॉइल जो आग से नहीं जलता ये इसको बिल्कुल खा जाता है, ख़त्म कर देता है बिल्कुल। अभी जो है आप देख सकते हो ये बोतल जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुकी है और जो हमारा पानी है ना बिल्कुल काला होने लगा है क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम फॉइल था वो सारा खा चुका है। देखो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इसने एल्यूमिनियम फॉइल, छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं सिर्फ। तो जो एल्यूमिनियम फॉइल आग से नहीं जलता आप देख सकते हो वो कास्टिक सोडा ने कैसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो हमारा जो बलून है आप देख सकते हो लगभग इतना फूल चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। अब इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं बचा और बिल्कुल काला हो गया पानी, आप देख सकते हो बिल्कुल काला हो चुका है हमारा जो पानी है वो बिल्कुल काला हो चुका है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो अभी मैं इस बलून को निकालने वाला हूँ। तो मैंने जो है अपना बलून जो है वो निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो ये जो बलून है इतना हल्का है, नॉर्मल बलून ऐसे रहता है और पर ये ऊपर जाने को हो जाता है देखो। तो अगर जो मैंने छोड़ दिया तो तुरंत ही हवा में उड़ जाएगा, तो अभी मैं जैसे इसको छोड़ू ना ये ऊपर उड़ जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं इसको छोड़ दे और फिर देखते हैं कब तक जाता है, कितने ऊपर तक जाता है। तो छोड़ दूँ भाई, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। दोस्तों हमारा जो बलून है वो ऊपर जा चुका है, आप देख सकते हो वो गया और इतना ऊंचा जा चुका है, अभी बिल्कुल भी हमारे पास तो आने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर थी हाइड्रोजन गैस काफ़ी हल्की होती है। तो ये वही बलून बन चुका है जो छोटे बच्चों के लिए आता है ना, जो घर पे आता है कि 2 रुपये और 10 रुपये में मिल जाता है। अच्छा तो देख रहे हो हमारा बलून कहाँ तक जा चुका है ये देखो आप, अब बहुत छोटा सा हो गया, छोटा हो गया कि दिख भी नहीं रहा। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। और देखो हमारे जो बलून है वो कितना ऊंचा जा चुका है, मेरे को भी नहीं दिख रहा कहाँ गया, देखो बोरा बहुत छोटा सा दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा और वो इतनी दूर जा चुका है काफी दूर। अपना दिख रहा हूँ कहाँ है। तो ये सब कमाल था इस एल्यूमिनियम फॉइल का, कास्टिक सोडा का और पानी का भाई, मजा आया क्योंकि उसके अंदर थी हाइड्रोजन गैस और काफी हल्की होती है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास भी 1 होता है। पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। अरे बस कर भाई, ये इसी तरह से हमारी जो पीरियडिक टेबल है वो रेंज होती है। तो वैसे जो नॉर्मली बलून्स में हवा होती है वो हीलियम होती है, बट इसके अंदर थी हाइड्रोजन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक कर दी। चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ वो बेल आइकन जो है उसको भी दबा देना, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, वो भी बहुत जोर से बेल आइकन। तभी आपको मेरी अगली वीडियो मिल पाएंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ अलग एक्सपेरिमेंट के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।